थोड़ा सा एक सर तो आप हटिए ना, थोड़ा सा आप हटिए ना इनके पास से। कृष्णा पीछे दिल्ली में जिस प्रकार घटना घटे कोचिंग संस्थान में, वैसे में बिहार में न घटे, इसको लेकर बता दें कि बिहार सरकार और साथ ही साथ पटना पुलिस है तमाम अलर्ट पे हैं। बता दें कोचिंग संस्थान में जो ये घूम घूम कर उसका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ किस तरीके से बच्चे को बैठाया जाता है उसका जायजा ले रही है। बता दें कि पटना डीएम के नेतृत्व में जो तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम आला अधिकारी एक एक कोचिंग में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस कोचिंग में किस प्रकार बच्चे को बैठाया जाता है, बच्चे के लिए क्या कुछ सुविधा है, और साथ ही साथ जो फी वगैरह जो लिया जाता है फी वगैरह के साथ के लिए क्या उस तरीके का मुहैया करवाया जाता है। इसके साथ साथ बात कर लीजिए तो जिस तरीके से बच्चे को बैठने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ जो इस प्रचंड गर्मी पड़ रही है घर से प्रचंड गर्मी में किस तरीके से उनके जो सुख सुविधा है उसके लिए व्यवस्था की गई, साथ ही साथ बात कर लीजिए तो जिस तरीके से जो एक बेंच पर कितने बच्चे बैठते हैं उसके लेकर हर एक जो कोचिंग संस्थान में जाकर पटना डीएम के नेतृत्व में तमाम आला अधिकारी जो है निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सभी कोचिंग को चिन्हित किया जा रहा है कि किस प्रकार जो है साख सुविधा है, और उसके साथ साथ बच्चे को लेकर बच्चे को किस प्रकार बैठने की मुहैया करवाया जा रहा है, साथ ही साथ बात कर लिए तो बच्चे को क्या कुछ सुविधा दी जा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है पटना डीएम के आला अधिकारी के नेतृत्व में जो तमाम अधिकारी हैं एक एक कोचिंग का जायजा जाकर ले रहे हैं। और किस तरह निबंधन करना चाहिए था लेकिन निबंधन नहीं है इनका, तो हम लोगों का जो बिहार कोचिंग एक्ट है कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा भी कई बिंदु है जैसे कि एंट्री और एग्जिट एक ही हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में पाया गया है, वो भी हम डीएम सर को रिपोर्ट करेंगे। और बाकी बिल्डिंग बायलॉज का जो है उल्लंघन है या नहीं है इसके लिए भी हम लोग नगर निगम के माध्यम से उनको नोटिस करके जो भी बायलॉज अगर पारित हुआ या नहीं हुआ है तो उसकी भी जाँच हो जाएगी। तो निरीक्षण के क्रम में कोई भी मानक के अनुरूप पाए मिल रहे हैं यहाँ पे? कई अनियमितता मिल रही है उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। कड़ी कार्रवाई होगी उसी के लिए तो डीएम सर ने टीम गठित की है और हम लोगों से सभी कोचिंग संस्थानों का 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा है। कितने कोचिंग शूट है सर जिनका सर्वे करना है सर? जितना हम लोगों को अभी जितना संभव है 15 दिन में हम लोग मैक्सिमम संस्थानों का सर्वे करेंगे। कोई लिस्ट आप लोग के पास है कि इन हम लोगों के पास जो जिला में जो डीयू शाखा में जिला शिक्षा कार्यालय है उसमें जो उसका निबंधन हुआ है उसकी हम लोगों के पास सूची है, उसके अलावा भी जो कई संस्थाने हैं जो अनिबंधित है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी आज किस एरिया में चल रहा है? आज तो इसी लंगर टोली, मछुआ टोली और भिखना पहाड़ी। थोड़ा सा एक सर तो आप हटिए ना, थोड़ा सा आप हटिए ना इनके पास से। कृष्णा पीछे